Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of statistical mechanics, in which today we are going to discuss about energy fluctuations in canonical ensemble. We have already discussed about canonical ensemble. Now energy fluctuations in canonical ensemble. So the energy fluctuations in canonical ensemble the average energy is defined as U is equal to ensemble average of H is equal to integration dp dq H exponential minus beta H divided by integration dp dq e raised to minus beta h. So the average energy is given by ensemble average of h or the average energy, because Hamiltonian is actually represents the energy, and here average energy means internal energy. So u equal to average energy equal to integration dp dq h exponential minus beta h divided by integration dp dq e raised to minus beta h. Here p is linear momentum and q is coordinate. So yahan par p hamara linear momentum hai jabki q hamara coordinate hai. Now if we cross multiply this equation, then u into integration dp dq e raised to minus beta h is equal to integration dp dq h e raised to minus beta h. So u integration dp dq exponential minus beta h equal to integration dp dq h exponential minus beta h. Here beta is equal to 1 upon kt and k is Boltzmann's constant, whereas T is absolute temperature. Now इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ वी एंड टी. सो यू हमारा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए यू को भी हम अंदर ले लेते हैं. सो इंटीग्रेशन डीपी डी क्यू यू माइनस एच ई रेस्ट माइनस बीटा एच इक्वल टू जीरो. तो हमने इसको लेफ्ट में ट्रांसफर किया है एंड यू को हमने अंदर ले लिया है. सो हमको नई इक्वेशन ये मिल गई है. Now multiply on either side by e raised to beta a. So e raised to beta a से आप यहां पर भी multiply करोगे और यहां पर भी multiply करोगे. So यहां पर जैसे ही multiply करोगे e raised to beta a, so ये क्या हो जाएगा, integration dp dq u minus h e raised to beta a minus h equal to zero, क्योंकि right hand side में zero है. So अगर आप जीरो को एक्सपोनेंशियल बीटा ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये हमारा जीरो ही रहेगा. सो इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू यू माइनस एच इरेज टू बीटा ए माइनस एच इक्वल टू जीरो. हियर ए इज अ फंक्शन ऑफ वी एंड टी एंड एच इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू. सो हमको ये इक्वेशन मिलेगी. हमने यहां पर इरेज टू बीटा ए से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे हमको ये इक्वेशन मिली है. नाउ differentiating this equation with respect to beta. So differentiating both sides with respect to beta. So beta के respect में इसको differentiate कर देते हैं. So right hand side में हमारे पास में zero है, तो यहाँ पर zero ही रहेगा. और left hand side की अगर बात करें, then integration dp dq u minus h. अब इसका हमको differentiate करना है. So e raised to beta a minus h का e raised to beta ही रहेगा. एंड अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो यहां पर भी आप u इंटू वी मेथड काम में लो. सो पहले a माइनस एच हमारे लिए कांस्टेंट, बीटा का बीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस बीटा कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशियल करोगे. सो h डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और डज नॉट डिपेंड ऑन बीटा. सो h का तो हमारा जीरो हो जाएगा. और अगर आप a का करोगे, सो a हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और बीटा भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डेल बीटा. नाउ
अभी हमने इसको कांस्टेंट माना है और इसका डिफरेंशियल किया है, अब क्या करेंगे, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे। सो प्लस इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू इरेज टू बीटा ए माइनस एच, ये हमारे लिए कांस्टेंट। और अब अगर आप यू माइनस एच का डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, सो एच डिपेंड्स ऑन पी एंड क्यू, इट मीन्स एच डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और डज नॉट डिपेंड ऑन बीटा। सो एच हमारा बीटा पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए एच का डिफरेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा। और यू का करोगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, देन डेल यू बाई डेल बीटा। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू यू माइनस एच इज टू बीटा ए माइनस एच इंटू ए माइनस एच इंटू वन प्लस बीटा डेल ए बाई डेल बीटा। और सेकेंड टाइम हम इसको कॉन्स्टेंट मान रहे हैं और इसका डिफरेंशियल करेंगे, सो प्लस इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू इज टू बीटा ए माइनस एच डेल यू बाई डेल बीटा इक्वल टू जीरो। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है फ्रॉम आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू इज टू बीटा ए माइनस एच इक्वल टू वन। सो इसकी वैल्यू हमको वन मिल गई है। सो आइडेंटिटी से ये वैल्यू हमारी वन है। नाउ यहां पर केवल डेल यू बाई डेल बीटा बचेगा और ये वैल्यू हमारी पूरी बच जाएगी। नाउ अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें, सो बीटा डेल ए बाई डेल बीटा, बीटा इक्वल टू वन बाई के टी, सो यहां पर हमारा वन अपॉन के टी आ गया। सो डेल ए, अब बीटा का डिफरेंशियल करना है, मीन्स वन अपॉन के टी का डिफरेंशियल करना है, सो वो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई के टी स्क्वायर डेल टी। सो बीटा डेल ए बाई डेल बीटा इक्वल टू वन अपॉन के टी डेल ए बाई माइनस वन अपॉन के टी स्क्वायर डेल टी। नाउ यहां पर इस के से के कैंसिल करो और एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सो बीटा डेल ए बाई डेल बीटा क्या जाएगा, इस इक्वल टू माइनस टी डेल ए बाई डेल टी, क्योंकि ये जो टी है ये हमारे न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो बीटा डेल ए बाई डेल बीटा इक्वल टू माइनस टी डेल ए बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी। नाउ इस बीटा डेल ए बाई डेल बीटा की जगह हम माइनस टी डेल ए बाई डेल टी एट वी रख सकते हैं और ये हमारा वन है, तो इसको वन कर दो और इसकी जगह ये वैल्यू रखो। सो इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, नाउ ये वैल्यू हो गई हमारी वन और बीटा डेल ए बाई डेल बीटा को हम माइनस टी डेल ए बाई डेल टी एट वी लिख रहे हैं। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल यू बाई डेल बीटा प्लस इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू इरेज टू बीटा ए माइनस एच यू माइनस एच, ये हमने एज इट इज लिख दिया और ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ए माइनस एच ये एज इट इज एंड बीटा डेल ए बाई डेल बीटा हो गया माइनस टी डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। सिंस इंटीग्रेशन डीपी डीक्यू इरेज टू बीटा ए माइनस एच यू माइनस एच इंटू ए माइनस एच माइनस टी डेल ए बाई डेल टी, इसका मतलब इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ u माइनस एच होल स्क्वायर, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ u माइनस एच होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह आप ये वैल्यू यहां पर रखो, सो हमको क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ u माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल बीटा। तो जैसे हमने यहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ u माइनस एच होल स्क्वायर लिख दिया है तो हमको मिल गया एवरेज वैल्यू ऑफ यू माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल बीटा। दस मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज, सो एनर्जी का मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ यू माइनस एच होल स्क्वायर
is equal to minus del u by del beta. So average value of u minus h whole square या ensemble average of u minus h whole square था हमारे minus del u by del beta. And this is actually mean square fluctuation of energy. So average value of h square minus a square of average value of h is equal to average value of u minus h whole square is equal to minus del u by del beta. So mean square fluctuation की value हमको minus del u by del beta मिल गई है. Now ये equation अभी हमने निकाली है. Since beta equal to 1 upon kt, अब beta हमारा 1 upon kt है और यहां पर d beta या del beta की requirement है. So d beta equal to 1 upon k, constant है, 1 upon t का करोगे, so minus 1 by t square dt, इसका मतलब d beta equal to minus 1 upon kt square dt, तो यहां पर del beta की जगह आप minus 1 by kt square del t रख दो, so d beta equal to minus 1 upon kt square dt, so mean square fluctuation of energy, that is average value of h square minus a square of average value of h is equal to kt square del u by del t. तो हमने क्या किया है, यहां पर d beta की value रखी है, so minus del u और d beta की जगह क्या गया, minus 1 upon kt square del t. तो ये negative और ये negative cancel हो जाएगा और ये kt square हमारा numerator में चला जाएगा. So this is equal to kt square del u by del t. Now del u by del t equal to cv. So del u by del t हमारा heat capacity है या specific heat at constant volume है. इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा cv. So mean square fluctuation की value को मिलेगी kt square cv. So this is our mean square fluctuation of energy. So mean square fluctuation of energy is kt square cv. For a macroscopic system, अगर macroscopic system है, then ensemble average of h is directly proportional to n. So h का ensemble average n पर depend करेगा and cv is directly proportional to n. अब h हमारा n के proportional है and cv भी हमारा n के proportional है. Therefore, this equation represents a normal fluctuation. So, हमको ये जो equation मिली है, this equation represents a normal fluctuation. So, ये हमारा normal fluctuation है. As n tends to infinity, क्योंकि n is of the order of 10 raised to power 23 होता है, ये n बहुत ज़्यादा large होता है. So, as n tends to infinity, almost all system in the ensemble have the energy h and this is equal to u, that is internal energy. So agar n ki value hamari bahut jyada hai, ye n tends to infinity hai, then almost all system in the ensemble have the energy h. So ensemble ke andar jitne bhi system honge, un sare system ki energy hamari ensemble average h, ये एवरेज एनर्जी h के इक्वल होगी और एवरेज एनर्जी ऑफ h इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय u. देयरफॉर कैनोनिकल एनसेंबल इज इक्विवेलेंट टू द माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल. अब हमने कहा है कि अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सो ऑल सिस्टम इन द एनसेंबल हैव द एनर्जी h and h equal to u. So इस केस में canonical ensemble is equivalent to microcanonical ensemble. So canonical ensemble microcanonical ensemble के equivalent होगा. Now we use another method. Since 1 upon h raised to 3n factorial n integration dp dq e raised to minus beta h equal to integration 0 to infinity d e omega e raised to minus beta e. तो हमारा integration 0 to infinity d e omega e raised to minus beta e के equivalent है.
or this is equal to integration 0 to infinity e raised to log omega e raised to minus beta e. So omega ko humne e raised to log omega लिख दिया है क्योंकि exponential और log base e आपस में cancel हो जाते हैं तो वापस आपको omega मिल जाएगा. So omega को हम exponential log omega लिख सकते हैं. So 1 upon h raised to 3n factorial n integration dp dq e raised to minus beta h equal to integration 0 to infinity de e raised to log omega into e raised to minus beta e. अब यहां पर बेस हमारे सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो इन दोनों को हम एक साथ में ले लेते हैं. सो 1 अपॉन एच रेस टू 3n फैक्टोरियल n इंटीग्रेशन dp dq e रेस टू माइनस बीटा h की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी de e रेस टू माइनस बीटा e प्लस log ओमेगा e. सो इन दोनों को हमने साथ में ले लिया है. और अगर हम इन दोनों में बीटा कॉमन लें तो जैसे आप बीटा कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या जाएगा लॉग ओमेगा अपॉन बीटा माइनस ई. सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी डीई ई रेज टू बीटा लॉग ओमेगा अपॉन बीटा माइनस ई. नाउ लॉग ओमेगा अपॉन बीटा इक्वल टू के टी लॉग ओमेगा ई बिकॉज बीटा इक्वल टू 1 अपॉन के टी. तो जैसे आप बीटा की जगह 1 अपॉन kt रखोगे तो ये kt हमारे न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो log ओमेगा अपॉन बीटा इक्वल टू kt log ओमेगा e. एंड s इक्वल टू k log ओमेगा. सो k log ओमेगा को हम s लिख देंगे या फिर log ओमेगा को हम s अपॉन k लिखते हैं. सो log ओमेगा अपॉन बीटा हो जाएगा kt s upon k. k से k कैंसिल हो गया so log omega upon beta equal to s t. so this is equal to t s. now log omega upon beta को हम s into t लिखेंगे. so 1 upon h raised to 3n factorial n integration dp dq e raised to minus beta h equal to इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी डी एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस ई. एंड एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी जिसको हमने एस ऑफ ई लिख दिया है. तो इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई. हियर एस इज एंट्रोपी डिफाइंड इन द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल. सो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हमने जो एंट्रोपी डिफाइन की थी एस वो हमने यहां पर यूज की है. Since both S is directly proportional to N and U is directly proportional to N and S N tends to infinity. अब entropy हमारे number of particle ये number of system पर depend करता है and internal energy भी हमारी N पर depend करती है और N tends to infinity है. So the maximum of the integrant occurs at E equal to E bar. So u is directly proportional to n and s is directly proportional to n and as n tends to infinity. So n agar infinity hai then the maximum of the integrant occurs at e equal to e bar. So e equal to e bar par humko integrant ki value maximum milegi. So integrant means ye aur iski value maximum kab milegi jab e equal to e bar hoga. Now, एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी. अब इंटीग्रेंट हमारा मैक्सिमम है सो टी एस माइनस ई इक्वल टू मैक्सिमम. और ये मैक्सिमम कब होगा जब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो होगा. सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इट्स फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी जीरो. सो फर्स्ट डिफरेंशियल को हम जीरो कर देते हैं. सो डेल बाई डेल ई ऑफ टी एस माइनस ई इक्वल टू जीरो. Now, इसका डिफरेंशियल कर दो. So T डेल S by डेल E at E equal to E bar minus 1 equal to 0. क्योंकि E का E के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, T हमारे लिए कांस्टेंट और S हमारा E पर डिपेंड करता है.
सो एस का डिफरेंशियल हो जाएगा डेल एस बाय डेल ई. सो टी डेल एस बाय डेल ई एट इक्वल टू ई बार माइनस वन इक्वल टू जीरो और टी डेल एस बाय डेल ई एट इक्वल टू ई बार इक्वल टू वन. सिंस फॉर मैक्सिमम सेकंड डिफरेंशियल इज लेस देन जीरो. अब मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा जीरो होता है एंड सेकंड डिफरेंशियल हमारा लेस देन जीरो होता है. इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम है देन सो डेल टू एस बाय डेल ई टू एट ई इक्वल टू ई बार इज लेस देन जीरो क्योंकि मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा जीरो होगा एंड सेकंड डिफरेंशियल हमारा अगर लेस देन जीरो है देन वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी. एंड हमने कहा है कि टी एस माइनस ई हमारा मैक्सिमम है. इट मीन्स डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार इज लेस देन जीरो. एबो इक्वेशन इंप्लाइज दैट ई बार इक्वल टू यू. सो ये जो इक्वेशन हमारी है इक्वेशन ये शो करती है कि ई बार इक्वल टू यू होगा. नाउ अगर हम यहां से डेल एस बाई डेल ई की वैल्यू निकालें सो डेल एस बाई डेल ई एट इक्वल टू ई बार इक्वल टू वन अपॉन टी. सो डेल एस बाई डेल ई की वैल्यू हमको वन अपॉन टी मिल गई एंड ई बार इक्वल टू यू है. सो डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू डेल बाई डेल ई ऑफ डेल एस बाई डेल ई एट इक्वल टू ई बार एंड डेल एस बाय डेल ई को हम वन अपॉन टी लिख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा डेल बाय डेल ई ऑफ वन बाय टी एट इक्वल टू ई बार. नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है. अब अगर हम वन अपॉन टी का डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू ई सो वन अपॉन टी का हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डेल टी बाई डेल ई एट इक्वल टू ई बार. सो डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डेल टी बाई डेल ई एट इक्वल टू ई बार. बट डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी वी. डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी वी है एंड ई बार इक्वल टू यू. सो अगर हम यहां पर U की जगह E बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल E बार बाई डेल T इक्वल टू सी वी. सो आप यहां पर ये क्या है डेल T अपॉन डेल E बार. सो डेल T बाई डेल E बार क्या हो जाएगा वन अपॉन सी वी क्योंकि डेल E बार बाई डेल T हमारा सी वी है. सो डेल T बाई डेल E बार इक्वल टू वन अपॉन सी वी. तो आप यहां पर वन अपॉन सी वी पुट कर दो. सो डेल ई बार बाई डेल टी हमारा सी वी हो गया. सो डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर सी वी. दस फॉर सेटिस्फाइंग डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार इज लेस देन जीरो सी वी इज ग्रेटर देन जीरो विच इज ट्रू फॉर फिजिकल सिस्टम. सो इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के लिए सी वी हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और यह हमारा फिजिकल सिस्टम के लिए वैलिड है या ट्रू है क्योंकि अगर सी वी हमारा पॉजिटिव होगा उसी केस में ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी और ये वैल्यू नेगेटिव होगी इसका मतलब लेस देन जीरो होगा. सो इफ सी वी इज ग्रेटर देन जीरो देन डेल टू एस बाई डेल ई टू एट ई इक्वल टू ई बार लेस देन जीरो इज वैलिड एंड इट इज ट्रू फॉर फिजिकल सिस्टम. नाउ वी एक्सपांड टी एस माइनस ई. सो अगर हम टी एस माइनस ई को एक्सपांड करें इन टर्म्स ऑफ ई बार तो ये क्या हो जाएगा टी एस माइनस ई इज इक्वल टू टी एस माइनस ई बार प्लस वन अपॉन टू ई माइनस ई बार होल स्क्वायर इन टू टी डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार प्लस एंड सो ऑन. तो इसको हमने एक्सपांड कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ई बार.
नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर सी वी, ये वैल्यू हमने निकाली थी, एंड ऑल्सो ई बार इक्वल टू यू। तो आप यहां पर जहां पर भी ई बार है वहां पर यू पुट करोगे, तो ये हमारा यू और ये भी यू, यहां पर इधर यू आ जाएगा, एंड डेल टू एस बाई डेल ई टू एट इक्वल टू ई बार की जगह आप माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर सी वी रखोगे। सो जैसे ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे ये क्या हो जाएगा, टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर सी वी। अब इस टी से ये टी कैंसिल कर दो, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टी सी वी, और साथ में हाफ ई माइनस ई बार होल स्क्वायर ऑलरेडी है। सो टी एस माइनस ई इज इक्वल टू टी एस ऑफ यू माइनस यू प्लस हाफ ई माइनस यू होल स्क्वायर इन टू टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर सी वी। अब एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा एंड वी नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म, सो हायर ऑर्डर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, टी एस ऑफ यू माइनस यू माइनस वन अपॉन टू टी सी वी ई माइनस यू होल स्क्वायर, क्योंकि एक टी से टी कैंसिल हो गया है, सो माइनस वन अपॉन टी सी वी और हाफ यहां पर ऑलरेडी है, सो माइनस वन अपॉन टू टी सी वी ई माइनस यू होल स्क्वायर। नाउ ये क्वेश्चन हमने निकाली थी, वन अपॉन एच रेस टू थ्री एन फैक्टोरियल एन इंटीग्रेशन डीपी डी क्यू ई रेस टू माइनस बीटा एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डीई ई रेस टू बीटा टी एस माइनस ई, और टी एस माइनस ई की वैल्यू हमने ये निकाल दी है, तो आप इसकी जगह ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डीई एक्सपोनेंशियल बीटा, अब टी एस माइनस ई की जगह आप ये पुट कर रहे हो, सो टी एस माइनस यू माइनस वन अपॉन टू टी सी वी ई माइनस यू होल स्क्वायर, सो एक्सपोनेंशियल के अंदर ये सारी वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये क्वेश्चन हमने निकाली है, अब क्या करते हैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो ये क्या एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस यू, सो एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस यू इंटू एक्सपोनेंशियल बीटा इंटू माइनस वन अपॉन टू टी सी वी ई माइनस यू होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस यू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी, क्योंकि बाहर यहां पर बीटा है तो बीटा का मतलब वन अपॉन के टी, तो यहां पर साथ में के टी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू के टी स्क्वायर सी वी, और नेगेटिव ऑलरेडी है और ई माइनस यू होल स्क्वायर भी है, सो एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के टी स्क्वायर सी वी, सो वन अपॉन एच रेस टू थ्री एन फैक्टोरियल एन इंटीग्रेशन डीपी डी क्यू ई रेस टू माइनस बीटा एच की वैल्यू को ये मिल गई है। दिस इक्वेशन शोज दैट इन द कैनोनिकल एंसेंबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, से हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्वेश्चन क्या शो करती है, इन द कैनोनिकल एंसेंबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्ड अबाउट द वैल्यू इक्वल टू यू विथ अ विथ डेल्टा ई इज इक्वल टू रूट ऑफ टू के टी स्क्वायर सी वी, तो ये क्वेश्चन हमारी क्या शो करती है, इट शोज दैट इन द कैनोनिकल एंसेंबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैनोनिकल एंसेंबल में जो हमारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसका जो सेंटर होगा वो हमारा इक्वल टू यू पर होगा, और इसकी विड्थ डेल्टा इक्वल टू रूट ऑफ टू के टी स्क्वायर सी वी होगी। सिंस यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड सी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो यू भी हमारा एन के प्रोपोर्शनल है एंड सी वी भी हमारा एन के प्रोपोर्शनल है,
Therefore, delta E upon U tends to 0 as n tends to infinitive. अब अगर n की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, ये n tends to infinitive होगा, तो ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड साथ में ये वैल्यू भी हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी. सो डेल्टा ई अपॉन यू टेंड्स टू जीरो. सो डेल्टा ई अपॉन यू की वैल्यू हमारी जीरो होगी. एज एन टेंड्स टू इंफिनिटिव द गॉसियन फंक्शन अप्रोचेस टू अ डेल्टा फंक्शन. सो अगर एन की वैल्यू हमारी इंफिनिटिव की ओर जा रही है या एन टेंड्स टू इंफिनिटिव है, तो जो हमको यहां पर कैनोनिकल एनसेंबल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, वो गॉसियन फंक्शन जो हमारा है, इट अप्रोचेस टू डेल्टा फंक्शन. सो इक्वेशन हमने ये निकाली थी. नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. सो लेट ई माइनस यू इक्वल टू एक्स. सो ई माइनस यू अगर एक्स है, सो अगर इसका डिफरेंशियल करोगे, सो डी ई इक्वल टू डी एक्स. नाउ डी ई हमारा डी एक्स हो गया. अब लिमिट की बात करें, सो अगर आप e की जगह जीरो रखोगे तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस यू. और अगर e की जगह इन्फिनिटिव रखोगे तो लिमिट हमारी इन्फिनिटिव रहेगी. इसका मतलब ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, माइनस यू टू इन्फिनिटिव. डी ई की जगह आप डी एक्स रखोगे एंड ई माइनस यू की जगह x रखोगे. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव डी ई ई रेस टू माइनस ई माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस यू टू इन्फिनिटिव, क्योंकि ये हमारा माइनस यू हो गया एंड डी ई हमारा डी एक्स. सो डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी, क्योंकि ई माइनस यू हमारा एक्स हो गया है. सो ये वैल्यू हमारी इंटीग्रेशन माइनस यू टू इन्फिनिटिव डी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी हो जाएगा. Now, as n tends to infinity, u tends to infinity. So, n की वैल्यू अगर infinity होगी, तो u भी हमारा infinity होगा. इसका मतलब इसको हम infinity लिख देंगे. So, integration 0 to infinity, de e raised to minus e minus u whole square upon 2 kt square cv equal to integration minus infinity to plus infinity dx e raised to minus x square 2 kt square cv. So, हमको ये वैल्यू मिल गई है. नाउ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव डीएक्स ई रेस्ट माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट पाई बाई ए. सो इसकी वैल्यू हमारी रूट पाई बाई ए होती है. तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या जाएगा, रूट पाई ए की जगह आप वन अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी रखोगे. सो अपॉन वन अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी और ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पाई इंटू टू के टी स्क्वायर सी वी. तो इसकी वैल्यू को ये मिल जाएगी. सो ये हमारा वन अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी है. सो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, रूट ऑफ पाई इंटू टू के टी स्क्वायर सी वी. सो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव डी ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन टू के टी स्क्वायर सी वी की वैल्यू हमको ये मिल गई है. तो अब आप इसकी जगह ये वैल्यू यहां पर रख दो. सो वन अपॉन एच रेस टू थ्री एन फैक्टोरियल एन इंटीग्रेशन डी पी डी क्यू ई रेस टू माइनस बीटा एच की वैल्यू हमको मिलेगी और वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल बीटा टी एच माइनस यू इंटू रूट ऑफ टू पाई के टी स्क्वायर सी वी. नाउ ये वैल्यू हमने निकाल दी है. सो वन अपॉन एच रेस टू थ्री एन फैक्टोरियल एन डी पी डी क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच इक्वल टू ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस यू प्लस वन अपॉन बीटा log 2 पाई के टी स्क्वायर सी वी पावर हाफ. तुमने क्या किया है, इन दोनों वैल्यू को हम साथ में लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, e रेस टू log रूट ऑफ 2 पाई के टी स्क्वायर सी वी
और रूट का मतलब पावर हाफ, सो एक्सपोनेंशियल लॉग 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी पावर हाफ, और बाहर बीटा है इसलिए साथ में 1 अपॉन बीटा भी आ जाएगा। सो अगर हम इन दोनों को साथ में लें तो एक्सपोनेंशियल बीटा और ब्रैकेट में आएगा टी एस माइनस यू प्लस 1 अपॉन बीटा लॉग 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी पावर हाफ, तो हमको ये वैल्यू मिल गई है। नाउ बीटा होता 1 अपॉन के टी, इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस के टी लॉग ऑफ ये पूरी वैल्यू, और पावर हाफ है इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस यू प्लस हाफ के टी लॉग 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी। तो हमने पावर को मल्टीप्लाई में ले लिया है और बीटा को 1 अपॉन के टी लिखा, तो हमको ये वैल्यू मिल गई। ऑन कंपेयरिंग सिमिलर क्वांटिटी ऑन आइदर साइड, अब ये जो हमको इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन में जो सिमिलर क्वांटिटी है उनको हम कंपेयर कर देते हैं। तो लेफ्ट में हमको एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच मिला हुआ है और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल बीटा टी एस माइनस यू प्लस हाफ के टी लॉग ऑफ 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी है। इसका मतलब माइनस बीटा एच की वैल्यू ये हो जाएगी और बीटा से बीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस एच इक्वल टू टी एस माइनस यू प्लस हाफ के टी लॉग ऑफ 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी। और अगर पूरी इक्वेशन को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, सो एच इक्वल टू यू माइनस टी एस माइनस हाफ के टी लॉग ऑफ 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी। सिंस यू इक्वल टू एनसेंबल एवरेज ऑफ एच और एवरेज वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू ए प्लस टी एस। नाउ यहां से हमको मिल जाएगा एच इक्वल टू ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। सो आप इस टी एस को यहां पर ट्रांसफर कर दो, सो एच इक्वल टू ए इक्वल टू यू माइनस टी एस। सो यहां पर ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, अदरवाइज ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमारा सेम है। सो ए इज अप्रोक्सीमेटली यू माइनस टी एस माइनस हाफ के टी लॉग ऑफ 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी। सो अगर आप लिमिटिंग केस लोगे तो लिमिटिंग केस में ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, देन इन दैट कंडीशन ए इक्वल टू यू माइनस टी एस जो हमने यहां पर लिया हुआ है। सो ए इक्वल टू यू माइनस टी एस माइनस हाफ के टी लॉग ऑफ 2 पाई के टी स्क्वायर सीवी। सो ए की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास में ये है when n tends to infinitive, अब n की वैल्यू इंफिनिटिव है, then half kt log of 2 pi kt square cv is negligible, तो हमारा neglect हो जाएगा, तो ये neglect हो जाएगा, it means a is equal to u minus ts, so in the limiting case a is equal to u minus ts, so limiting case हमने क्या लिया है, n tends to infinitive, so अगर n tends to infinitive है देन ये हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, सो दिस टेंड्स टू जीरो, और जैसे ये जीरो होगा इट मींस ए टेंड्स टू यू माइनस टी एस, सो इन द लिमिटिंग केस ए इक्वल टू यू माइनस टी एस। एबो इक्वेशन शोज दैट द एंट्रोपी डिफाइंड बाय कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल डिफर ओनली बाय द टर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब इक्वेशन हमने ये निकाली है और एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, ये एक्चुअल में हमारा माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल में हमने निकाला था और ये हमारे कैनोनिकल एनसेंबल में आया है। तो इक्वेशन क्या शो करती है, दिस इक्वेशन शोज दैट द एंट्रोपी डिफाइंड बाय कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल डिफर ओनली बाय द टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो केवल लॉग एन का हमारे पास में डिफरेंस है, बाकी अगर हम माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल एंड कैनोनिकल एनसेंबल में अगर एंट्रोपी निकाले तो दोनों एंट्रोपी हमारी सेम होगी। सो एबो इक्वेशन शोज दैट द एंट्रोपी डिफाइंड बाय कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल डिफर ओनली बाय द टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन।
सो माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल एंड कैनोनिकल एनसेंबल में जो हम एंट्रोपी निकालेंगे दोनों में केवल ऑर्डर ऑफ लॉग एन का डिफरेंस है, बाकी दोनों फॉर्मूले हमारे सेम होंगे। ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम इन द कैनोनिकल एनसेंबल हैव द सेम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट द गिवन टेम्परेचर। सो कैनोनिकल एनसेंबल में जो हमारे सारे सिस्टम हैं उनकी एनर्जी की अगर बात करें, सो ऑल सिस्टम इन द कैनोनिकल एनसेंबल हैव द सेम एनर्जी। सो सारे सिस्टम की एनर्जी सेम होगी और वो एनर्जी एक्चुअल में सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सो एट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ ऑल सिस्टम इन द कैनोनिकल एनसेंबल हैव द सेम एनर्जी and that energy is equal to the internal energy of a system. In the canonical ensemble, we distribute the system in gamma space according to the density function. अब canonical ensemble में अगर हमको system को gamma space में distribute करना है तो density function हमारा क्या होगा, rho equal to exponential minus beta h। So, इस डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम गामा स्पेस में सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कैनोनिकल एनसेंबल में अगर हमको सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना हो गामा स्पेस में, देन वी यूज दिस डेंसिटी फंक्शन। सो वी डिस्ट्रीब्यूट द सिस्टम इन गामा स्पेस अकॉर्डिंग टू दिस डेंसिटी फंक्शन। It is found that the density of points falls off as we move away from the origin of gamma space. So gamma space के origin से अगर आप दूर जाते हो तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे density हमारी कम होती जाएगी। So अगर हम इसका diagram बनाए, so diagram कुछ इस तरह से आएगा। So ये यहां पर हम Q ले रहे हैं और इधर हमारे पास में P एंड दिस इज आवर एनर्जी सरफेस। सो पॉइंट की हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन। सो यहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे आप दूर जाओगे डेंसिटी हमारी कम होती जाएगी, but highest density is found near the origin. As we move away from the origin, then the density of points falls off. So agar aap canonical ensemble mein distribution of points in gamma space ke liye diagram banaoge to diagram kuch is tarah se humko milega. Now here we end our session. In the current session we have studied about the energy fluctuation in canonical ensemble. So goodbye.